आप देख रहे हैं BHBC News। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के प्रयासों के लिए उनकी तारीफ की है। उन्होंने अपने पत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व और कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना भी की है। उन्होंने कहा, मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपके सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करता हूं। देश में हॉटस्पॉट चिन्हित करने और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए लॉकडाउन क्वारंटाइन के साथ साथ इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सराहनीय है। आपने रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ डिजिटल इनोवेशन पर भी काफ़ी जोर दिया है। बिल गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ करते हुए अपनी चिट्ठी में कहा, मुझे खुशी है कि आपकी सरकार इस महामारी से लड़ाई में लड़ने और अपनी डिजिटल क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रही है। आपकी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, जो कि कोरोना वायरस ट्रैकिंग संपर्क का पता लगाने के साथ साथ और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम करती है। वैश्विक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सभी देश अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूती से डटा है और यही वजह है कि WHO से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक देश की प्रशंसा कर चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों में नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे आगे हैं, ऐसा अमेरिकी डेटा रिसर्चर कंपनी का दावा है। खतरनाक COVID-19 के खिलाफ जंग में दुनिया भर के टॉप 10 प्रभावशाली देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर है। दरअसल अमेरिकी डेटा रिसर्चर कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने कोरोना के अमेरिका पर पड़े असर को लेकर एक रिसर्च किया है। इस तुलनात्मक रिसर्च में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया के अन्य 9 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की गई। इस रिसर्च में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि कोरोना वायरस से निपटने में कौन सा देश और उनके नेता कौन सा काम कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं, आधा काम ना करें। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।